नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज अड्डा पर। और दोस्तों हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने IPL 2020 की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, जहां पर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे RCB के 5 फास्ट एंड फ्यूरियस के बारे में, जिनके दम पर RCB इस साल का टाइटल जीतने की कोशिश करेगी। तो जितने भी RCB फैंस इस वीडियो को देख रहे हैं, वो फटाफट से इस वीडियो को एक लाइक ठोको और यहाँ कहीं नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करो। दोस्तों अगर आप भी घर बैठे लाखों करोड़ों के इनाम जीतना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई 11 सर्किल ऐप को, जहाँ पर आप सौरभ गांगुली, शेन वॉटसन, राशिद खान जैसे चैंपियंस के साथ में खेल सकते हैं, जिसके लिए आपको सिंपली अपनी प्लेइंग 11 बनानी होगी। और इस समय इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज चल रही है, जिसके लिए चैंपियंस अपनी अपनी टीम बना रहे हैं। तो आप भी अपनी प्लेइंग 11 से इन चैंपियंस की टीम को बीट करके दुगनी अमाउंट जीत सकते हैं। विनिंग अमाउंट सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। साथ में इस ऐप पर रम्मी सर्किल का भी आप मजा उठा सकते हैं अगर मैचेस नहीं हो रहे हैं। और काफी लोग दोस्तों इससे करोड़ों रुपए जो है वो कमा चुके हैं। साथ में हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए हम 20% कैशबैक का ऑफर लेकर आए हैं, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से इसको डाउनलोड करना होगा। तो अभी डाउनलोड कीजिए और खेलिए और जीतिए। तो दोस्तों एज वी ऑल नो कि IPL में RCB अपना पहला मुकाबला 21 सितंबर को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ में खेलने वाली है, जिसके लिए कोहली एंड कंपनी बिल्कुल रेडी है। वहीं पर दोस्तों RCB के लिए 5 फास्ट गेंदबाज की हम आज बात करेंगे, जो कि इस बार RCB की बागडोर को अपने हाथों में थाम कर चलेंगे। तो बात करते हैं दोस्तों नंबर 5 की। तो नंबर 5 पर नाम आता है उमेश यादव का। दोस्तों उमेश एक्सप्रेस के नाम से ये जाने जाते हैं, जहां पर अगर बात करें इनके आंकड़ों की तो दोस्तों पिछले साल इनको 11 मैचों में मौका दिया गया था, और जिसमें इन्होंने 8 विकेट झटके थे और बल्ले से भी इन्होंने 25 रन का योगदान दिया था। तो हम कह सकते हैं कि ठीक ठाक प्रदर्शन इनका रहा था पिछले साल, लेकिन दोस्तों नई धरती नया देश, तो प्रदर्शन भी नया होगा और उम्मीद पूरी है RCB का स्क्वाड इनसे यही लगा कर बैठा होगा कि ये RCB को शुरुआती विकेट दिलवाएंगे। वहीं पर दोस्तों नंबर 4 पर इस लिस्ट में नाम आता है इसुरु उडाना का। दोस्तों RCB ने इस साल इनको खरीदा है और इनकी प्राइस 50 लाख के करीब है, जहां पर ये इकलौते श्रीलंका गेंदबाज होंगे जो कि IPL में खेलेंगे। इससे पहले दोस्तों मलिंगा भी थे, लेकिन उन्होंने निजी कारणों के चलते अपना नाम जो है वो IPL से वापस ले लिया। और दोस्तों बात करें उडाना की, तो दोस्तों इनकी गेंदबाजी में काफ़ी सारी वैरायटी मौजूद है, और तभी तो हम इनको RCB का एक्स फैक्टर बुलाते हैं, क्योंकि दोस्तों इनके अंदर गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी की भी क्षमता मौजूद है, और लंबे कद के होने की वजह से ये छक्के भी आसानी से मार लेते हैं। तो दोस्तों उम्मीद यही होगी कि ये RCB के लिए एक्स फैक्टर ही साबित हों। बात करें इनके IPL के आंकड़ों की, तो दोस्तों ये इनका पहला IPL सीजन होने वाला है, इससे पहले ये IPL में नहीं खेले, तो उम्मीद करते हैं कि ये अपने पहले IPL का आगाज अच्छे से करेंगे। वहीं पर दोस्तों बात करते हैं नंबर 3 की। तो नंबर 3 पर नाम आता है क्रिस मॉरिस का। दोस्तों मॉरिस को इस साल RCB ने भारी भरकम रकम देकर खरीदा है, क्योंकि उनके पास कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं था जो कि IPL में डेथ ओवर में गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों काम कर पाए। तो इसी वजह से इन्होंने मॉरिस को खरीदा। जहां पर बात करें इनके पिछले साल के आंकड़ों की, तो पिछले साल ये दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेले थे, जहां पर इन्होंने 9 मैचों में 13 विकेट झटके थे। हालांकि बैटिंग में ये कुछ खास नहीं कर पाए थे, 9 मैचों में उन्होंने केवल 32 रन बनाए थे। तो इसमें ज़रूर इनको सुधार लाना होगा। बाकी गेंदबाजी में ये ठीक हैं, हाल ही में बिग बैश में भी अच्छे विकेट लेकर ये आए हैं, तो RCB की इस साल के ये मेन फास्ट बॉलर रहने वाले हैं। वहीं पर दोस्तों नंबर 2 पर इस लिस्ट में नाम आता है डेल स्टेन का। दोस्तों डेल स्टेन पिछले साल भी RCB में खेले थे, जहां पर कुल्टर नाइल की रिप्लेसमेंट के तौर पर आई थिंक इनको बुलाया गया था, और दोस्तों इन्होंने आते ही शुरुआती 2 मैचों में 4 विकेट झटके और RCB को मैच जितवाया, और दोस्तों RCB की टूर्नामेंट में वापसी भी इन्होंने ही करवाई, क्योंकि पिछले साल RCB ने शुरुआती मैचों में 5 या 6 मैच लगातार RCB जो है वो हार चुकी थी। तो ऐसे में उनका खाता जो है वो शायद स्टेन ने ही खोला था, लेकिन दोस्तों 2 मैचों के बाद ही वो इंजर्ड भी हो गए। एक बार फिर से RCB इनके इंजर्ड होने के बाद में स्ट्रगल करने लगी, लेकिन दोस्तों इस साल स्टेन पूरी तरह से फिट हैं और उम्मीद करते हैं कि RCB के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस वो खेलेंगे। और फाइनली दोस्तों बात करते हैं नंबर 1 की। तो नंबर 1 पर नाम आता है RCB के सबसे फास्ट बॉलर नवदीप सैनी का। दोस्तों इस स्क्वाड में यही एक ऐसे गेंदबाज हैं जो कि 150 प्लस स्पीड से गेंदबाजी कर सकते हैं, और दोस्तों इन्होंने पिछले साल RCB की तरफ से काबिले तारीफ गेंदबाजी की थी और 13 मैचों में 11 विकेट झटके थे, और दोस्तों इस दौरान इन्होंने काफ़ी नापीतूली गेंदबाजी की थी। और इसके बाद दोस्तों जब इनका डेब्यू इंडियन टी20 टीम में हुआ, तो इन्होंने काफ़ी शानदार गेंदबाजी की, और अब इनके अंदर और कंट्रोल आ गया है और काफ़ी कंट्रोल के साथ में ये गेंदबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और दोस्तों
साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में इनके बल्ले से रन भी निकले थे, जो कि दर्शाता है कि ये बैटिंग भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से नवदीप को हमने नंबर एक पर रखा है। दोस्तों इन पांच गेंदबाजों में से कौन सा गेंदबाज इस साल सबसे ज्यादा विकेट चटकाएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और क्रिकेट और आईपीएल की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर से दबाएं। धन्यवाद।